चलो ठीक है, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, अपेरेंट डेप्थ की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है या अपेरेंट हाइट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, एक कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है। बॉटम पे एक कॉइन रखा हुआ है जिसे हम ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेते हैं, और इससे रेज जो है निकल रही हैं। रेज क्यों निकल रही हैं? क्योंकि कहीं से आ रही होंगी, इंसिडेंट हो रही होंगी, और इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हुई, कहीं से आई होगी रेज और इस पर इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हुई। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज दो मैंने बना दिया, एक परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस। देखो ये एयर है और ये वाटर है, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर इंटरफेस पे आएगा तो बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएगा, देखो पहली रे। और दूसरी रे जो ऐसे जा रही है, थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ठीक है, तो वो क्या हो रही है, वाटर से एयर में जब जा रही है तो नॉर्मल से डेविएट हो जा रही है ना, दूर हट जा रही है, नॉर्मल से दूर हट जा रही है। तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर में आँख में, उसकी आँख में रेज जो जा रही हैं इस डायरेक्शन से जा रही हैं। रेज आई कहाँ से हैं? इस कॉइन से रिफ्लेक्ट होके, और ये रेज जा रही है और फिर डेविएट हो गई, अपने रास्ते से भटक गई, नॉर्मल से दूर हट गई, क्योंकि डेंसर टू रेयरर मीडियम में जा रही है। तो इस ऑब्जर्वर की आँख में रेज गई किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। और ये दोनों रेज ध्यान से देखो, ये डाइवर्ज कर रही है ना, मैंने बताया था रिफ्लेक्शन में, क्या बताया था, रिफ्लेक्शन के बाद अगर रेज कन्वर्ज कर रही हैं तो रियल इमेज, और अगर डाइवर्ज कर रही हैं तो वर्चुअल इमेज। उसी तरह रिफ्रैक्शन में भी क्या होता है, जब आपकी रिफ्रैक्शन के बाद रेज डाइवर्ज कर रही होती हैं तो उस केस में वर्चुअल इमेज बनती हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद अगर कन्वर्ज कर रही होंगी तो रियल इमेज बनेगी। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रही हैं, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो रहा है, रेज का, दोनों रेज का डाइवर्ज कर रही हैं। जब डाइवर्ज कर रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है आगे तो कहीं मिलेंगे नहीं, इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। जब आप पीछे बढ़ाओगे, इसको पीछे बढ़ाओगे और इसको पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ कहीं मिलेंगी ये दोनों रेज, पीछे बढ़ाने पे ये इमेज बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनेगी। और ये सरफेस से कितने डिस्टेंस पे होगी वो डी डैश कंसिडर कर लेते हैं कि सरफेस से डी डैश डिस्टेंस पे हैं, और क्वाइन जो ऑब्जेक्ट है वो सरफेस से कितने डिस्टेंस पे है, वो डी डिस्टेंस पे है। पॉइंट याद रहेगा। अब इसमें जो सबसे बड़ा कैच है, जो ज़्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं, तुमको ये गलती नहीं करनी है, वो गलती क्या करते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट होगा हमेशा उस मीडियम को आप म्यू आई कंसिडर करना। क्या कंसिडर करोगे? म्यू आई। आई का मतलब इंसिडेंट रे जिस मीडियम में होती है ना, ये इस रिफ्रैक्ट, ये सरफेस से इंसिडेंट हुई ना, इस सरफेस पे इधर से इंसिडेंट हुई ना, तो जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट होता वहीं से तो रेज आएंगी, इंसिडेंट रे। जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट होगा उसी मीडियम से रेज आएंगी, तो इसलिए उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इस मीडियम को म्यू आई कह रहा हूँ जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट होगा। भूलोगे नहीं ना ये पॉइंट, ठीक है। और जिस मीडियम में ऑब्जर्वर होगा उस मीडियम को आप म्यू आर बोलोगे। जिस मीडियम में ऑब्जर्वर होगा उस मीडियम को म्यू आर बोलोगे, और जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट होगा उस मीडियम को म्यू आई बोलोगे। अब स्नेल्स लॉ लगाओ। सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगाते हैं, क्या है स्नेल्स लॉ? म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है हर मीडियम के लिए, ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो इस मीडियम के लिए म्यू आई होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, साइन आई होगा इज इक्वल टू, अगले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है दूसरे मीडियम का, म्यू आर है, और उस मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, आर है। अब अगर एंगल आई और आर बहुत छोटे हैं तो इसका मतलब है आई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू साइन आई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन आई, और आर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू साइन आर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन आर, ये होता है ना अगर एंगल बहुत छोटा है तो, ठीक है। यानी साइन आई को और साइन आर को आप टेन आर लिख सकते हो ना, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है ना, करेक्ट। और टेन आर की और टेन आई की वैल्यू क्या होगी, देखो ज़रा, टेन आई अगर मैं
कहूँ ये एंगल आई है तो ये एंगल भी तो आई होगा, अल्टरनेट इंटीरियर, दो पैरेलल लाइन से ये लाइन ये लाइन, इसको ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर हुआ। तो टेन आई की वैल्यू क्या होगी, अगर ये डिस्टेंस, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, ए बी की डिस्टेंस अगर एक्स कंसिडर की जाए तो टेन आई की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये एंगल 90 डिग्री यहाँ होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा एक्स, बेस कितना होगा, इसको ओ कहो, ए ओ होगा, और ए ओ की वैल्यू कितनी है, ध्यान दो ए ओ की वैल्यू डी के बराबर है। अब टेन आर की बात करें, अगर ये आर है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग ये भी आर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आर है तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर, ये भी आर होगा। अब इस ट्राइंगल में देखो टेन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, एक्स अपॉन डी डैश होगा, क्यों, यानी आपने अगर साइन आई की जगह टेन आई और साइन आर की जगह टेन आर लिख दिया तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, एक्स अपॉन डी और एक्स अपॉन डी डैश। तो ये जो फॉर्म, ये वैल्यू हम लोगों ने स्नेल्स लॉ से निकाला है, म्यू आई, साइन आई की जगह क्या लिख सकते हैं हम, एक्स बाई डी, और साइन आर की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई डी डैश, एक्स एक्स कट जाएगा, डी डैश को इधर भेज दो, डी डैश को इधर भेज दो, एक्स एक्स कटा और म्यू आई को उधर भेज दो, तो देखो डी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, डी को उधर भेज दो, म्यू आर अपॉन म्यू आई इंटू डी, ये होगा, होगा ना। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, डी डैश, इसको क्या लिख सकते हो, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, डी डैश इज इक्वल टू म्यू आर आई इंटू डी, ये लिख सकते हो, या प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो, म्यू आर आई को आप वन अपॉन म्यू आई आर लिख सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से। तो यही रिलेशन डी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन म्यू आई आर हो जाएगा। ये डी डैश क्या है, डी डैश क्या है, डी डैश है अपेरेंट डेप्थ, इमेज यहां बन रही है, लेकिन ये ध्यान रखना ये लग रहा है कि ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ऑब्जर्वर को लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहां रखा है, यानी इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बन रही है, तो इसको अपेरेंट डेप्थ कहते हैं। डी डैश क्या है, अपेरेंट डेप्थ, और एक्चुअल डेप्थ क्या है, रियल डेप्थ, ये डी है, कॉइन जहां रखा है, डी आपका रियल डेप्थ है, डी डैश अपेरेंट डेप्थ है। तो आपका क्या हो जाएगा, अपेरेंट डेप्थ को ए डी से डिनोट कर दिया, इज इक्वल टू रियल डेप्थ तो आर डी से डिनोट कर दिया, अपॉन म्यू आई आर। ये रिलेशन अगर तुम याद रखते हो ना तो तुमसे कभी गलती नहीं होगी अपेरेंट डेप्थ के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू आई आर, म्यू आई किसका मीडियम होगा, कौन सा मीडियम होगा, म्यू आई जिसमें ऑब्जेक्ट है, ये वाटर का मीडियम, इस केस में वाटर का मीडियम म्यू आई है, और इस केस में म्यू आर क्या होगा, एयर का मीडियम म्यू आर होगा। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दें तो, जैसे अभी हम लोग बोल रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है, ऑब्जर्वर पानी के बाहर है, वाटर हाँ मतलब एयर में है, ऑब्जर्वर एयर में है, ऑब्जेक्ट जो है पानी के अंदर है, इसी को उल्टा कर दो, अगर ऑब्जर्वर पानी के अंदर हो जाए और ऑब्जेक्ट हवा में हो, जैसे एग्जांपल, जैसे एक मछली है पानी के अंदर है, वो अगर ऑब्जर्वर है और वो देख रही है चील को या एरोप्लेन को देख रही है, और एरोप्लेन या चील जो है या कोई बर्ड है वो अगर ऑब्जेक्ट हो, तो उस केस में ऑब्जेक्ट एयर में हो गया ना, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आई कहलाएगा, और जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है, यानी मछली अगर ऑब्जर्वर है तो वो उसका मीडियम म्यू आर होगा। डिफरेंस समझ में आया, ज़्यादातर बच्चे यही सबसे दूर लगेगी मछली को, हाँ नॉर्मल से दूर लगेगी क्योंकि वो रेरर मीडियम में है ना ऑब्जेक्ट, लेकिन इसी को उल्टा कर दो, अगर यहाँ फिश है और कोई चील है ऊपर उड़ रही है तो उसको जो फिश है वो थोड़ा नज़दीक लगेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जिस अगर डेंसर मीडियम में है
तो क्या होगा, उसकी डेप्थ जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर रेयरर मीडियम में होगा तो उसकी हाइट जो है वो बढ़ जाएगी, महसूस होगा कि बढ़ गई, होगा नहीं एक्चुअल में, तो जो पोजीशन है वही रहेगा, लेकिन आपको अपीयर होगा कि ये डिस्टेंस बदल गई है। डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट होगा तो डिस्टेंस कम हो जाती है, रेयरर मीडियम में यानी लेस डेंसर मीडियम में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो डिस्टेंस बढ़ जाती है, लगता है कि बढ़ गई है, ये